bring in necessary cash to pay off A and C. दिख रहा है? B has to bring in necessary cash to pay off A and C. So how much are you supposed to pay off A and C? 43,860 plus 30,980. एक चीज तो श्योर है, इसको लोन में रखना है कि कैश में देना कैश. तो पे ऑफ करो इसको. टू कैश बैंक, लुक एट द बोर्ड. टू कैश बैंक अकाउंट, इनको तो पे ऑफ ही करना है. बोर्ड पे देखो अच्छे. टू कैश बैंक किया. हेलो. तो टू कैश बैंक का करस्पॉन्डिंग एंट्री इधर बाय एस कैपिटल एंड बाय सीज कैपिटल. ठीक है, ये समझा? दोनों को पे ऑफ किया है. गुडविल अपना लोन में कुछ रखा है कि नहीं रखा? Have you kept anything in loan? Nothing. So everything is paid off. So two cash bank ka corresponding entry cash bank ka buy by C 43,860 and 30,980. Yahan tak samjha? Yeah. Abhi do you have enough cash to pay them? No. To jo kam pad raha hai na wo kon layega? B laya. Wohi diya hua hai wahan pe. Dikh raha hai? B brings in the necessary cash. B brings in the necessary cash to pay off A and C. तो कितना पैसा लाया वो समझ रहे हैं? कैसा मालूम पड़ेगा? इनको पे ऑफ किया. अभी ये बंद किया था. Which side is greater? Credit is greater ना. मतलब ओडी हो रहा है. ओडी नहीं है, ओडी नहीं रखना है. तो जो भी देना है वो पैसा ला रहा है. कौन ला रहा है? B ला रहा है. तो just shut down. Whatever the gap over here. 70,000 जो पैसा था ना इन दोनों को देने का, वो बी घर से लेके आया. सिंपल एज दैट. हाउ डिड वी कैलकुलेट यू गॉट इट? पहले ये एंट्री पोस्ट करो, फिर इसको बंद करो. जो भी डेफिसिट है वो पैसे आप बी लेके आ गए. सिंपल एज दैट. समझा कि नहीं? 4,500 ये तो था इनके पास. 4,600 था. जो बचा पैसा है वो इज गेटिंग बी. मिस्टर बी, इज दिस क्लियर? हेलो. गेट द बैलेंस. टोटल कितना है? 74,848 टोटल ना. 74,848 और बैलेंस 70,240. समझा पक्का कैसे कर रहे हैं? पहले पे ऑफ करो, फिर जो भी डिफरेंस है कैश का वो कौन लाएगा? मिस्टर बी. बी सो कैश में आएगा टू बीस कैपिटल. बीस कैपिटल में आएगा बाय कैश बैंक. बराबर है? बी के कैपिटल में बाय कैश बैंक आएगा 70,240. अभी बैंक में एक भी रुपया बचा नहीं है. जो कम पड़ रहा था बिल आया, सब उठा के दे दिया. और सी बैंक बंद हो गया. तो बंद है ना अकाउंट, है पैसा खाली हो, बाद में डाल देगा गुडविल में. यू हैव बैलेंस इन गुडविल. Yes. Yes, 20,000. My balance CD 20,000. That will appear in the books. Shut down goodwill. Shut down cash. Go to balance sheet. सबसे पहला goodwill ही लिख दो. Goodwill कितना है? 20,000 rupees. Hello. Yeah. Goodwill is 20,000. What else you have? Check करते जाओ. Freehold property. कुछ है उसमें? नहीं यार. है सर. 50,000 का appreciate होगा. 3,000. Now it is 50. 3,000. Plant and machine. 20,000 का डेप्रिशिएट हुआ. हाँ हाई मन ऐसे साइड आ गए. पहला बड़ा हो चुका है. सो 18,600 नो फर्क है. आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी लेकिन हाँ लाइक लेस 4% है. रूम आराम से सीखने का. थाउजेंड लेस डेप्रिशिएशन 7% 70,930 स्टॉक 18,000 था, कम हो गया 1260 से 17 नहीं 16,740. डेटर्स 16,500 था लेस आरडीडी. न्यू वैल्यू ऑफ आरडीडी इज नाउ 500. हेलो. न्यू वैल्यू 500. समझा?
300 से बड़ा है, कैश बैंक है कुछ खत्म, कैपिटल अकाउंट्स किसका आएगा? हाँ बी का, ये बंदा सोल प्रोप्राइटर हो गया है, देयर इज नो मोर अ पार्टनरशिप फॉर्म, ओके फॉर्म बंद हो चुका है, इट्स ओनली मिस्टर बी, बी का बैलेंस कर लो ये क्रेडिट माइनस डेबिट 1082400 पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो चुका है, इट इज बोथ डिसॉल्यूशन ऑफ फॉर्म, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इज इट क्लियर? दोनों हो गया है, खाली बिजनेस बंद नहीं हुआ है, बिजनेस इज नॉट शट डाउन, बिजनेस इज कैरी फॉरवर्ड। हेलो यस, डिसॉल्यूशन ऑफ फॉर्म भी बोल सकते हैं, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप तो है ही, बट बिजनेस इज कैरीड फॉरवर्ड इन द फॉर्म ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप इज नो मोर इन एग्जिस्टेंस, ओके कीप दैट इन माइंड। बीस कैपिटल हो गया, उसके बाद क्या, क्रेडिटर्स 17,000, क्रेडिटर्स पे क्या करना है, NRFDC 17 नहीं है वो, लेस NRFDC 680 16,320 उटस्टैंडिंग लाइबिलिटी 750 एनीथिंग एल्स चेक चेक बराबर टैलीज ऑन 125 to 70 नथिंग फॉर होमवर्क।